जबलपुर अपराधों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस अब हर कदम पर तैयार है। कोरोना से हुए लॉकडाउन में अब तो लोगों को थोड़ी थोड़ी छूट देना शुरू हो गया है, जिससे अब लोग अपने अपने काम में जाने लगे हैं। काम शुरू होने से अब शहर में भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जिस कारण अब चोर और लुटेरे भी सक्रिय होने लगे हैं। इसी कड़ी में कोतवाली थाना पुलिस को लुटेरों पर शिकंजा कसने में एक सफलता हासिल हुई है। थाना कोतवाली के साथ साथ शहर के अन्य थाना क्षेत्र में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से लूट के मोबाइल और गाड़ी जब्त की गई है। आरोपियों के शहर के अन्य थानों में भी प्रकरण पाए गए हैं। पुलिस और लूट मामलों में भी आरोपियों को पकड़ने की तैयारी कर रही है, जल्दी कार्रवाई सामने आएगी। चंडाल फाटा शिवनगर कॉलोनी में शाम 5 बजे करीबन दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने मोबाइल छीनकर भागने की घटना घटित किए थे। प्रार्थी आशीष गुप्ता मोबाइल पर बात करते हुए अपने घर जा रहे थे, मोटरसाइकिल वाले पीछे से आए और मोबाइल छीन करके भाग गए। सूचना पर तत्काल घेराबंदी की गई और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रयास किए गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 170/20 धारा 392 लूट का कायम किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से लगातार आरोपियों को ट्रैक किया गया। आरोपी मंडी मदार टेकरी के पकड़े गए। आज दिनांक को उनकी गिरफ्तारी की गई, जिन्हें कल दिनांक को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। लूट में गया मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। पूछताछ पर आरोपियों ने थाना मदन महल में भी एक घटना कारित करना बताए थे। 30/5/2020 को भी इन्होंने एक घटना कारित की थी। वह मोबाइल भी रिकवर कर लिया गया है, मोटरसाइकिल भी रिकवर कर लिया गया है। हाँ, इनके थाना ओमती और मदन महल में आपराधिक रिकॉर्ड है। इनको पहले लूट के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था। नगद वगैरह उनके पास रिकवर नहीं हुआ है। मोबाइल और मोटरसाइकिल की रिकवरी कर ली गई है। नाम वगैरह इनका नाम है मोहम्मद सद्दाम हुसैन और मोहम्मद साजिद और मोहम्मद सहवाज। ये मंडी मदार टेकरी के रहने वाले हैं। मोहम्मद सद्दाम इनसे मोबाइल खरीदता था और बिक्री कर देता था, और जो पैसे मिलते थे आपस में तीनों बांट लेते थे। इस हिसाब से हमने तीनों को आरोपी बनाया है। 411 भी लगाई गई है और तीनों को आरोपी बनाया गया है।